जी सलाम अलैकुम। आज आपको थाईलैंड में जो है ना बच्चे दिखाते हैं किस तरीके से बच्चे कह रहे हैं आ जाए डॉक्टर साहब सामने दिखाते हैं। इस कॉर्नर से शुरू करते हैं कि बाल जड़े ने और थाईलैंड में खेड़ते हैं, तो इसको जो है हम बड़े ही कोई सीरियस टॉपिक के साथ नहीं करेंगे। जिमें पाकिस्तान के बाल खेड़ते हैं उवें ही थाईलैंड के बाल खेड़ते हैं, बस ये कि वो सारे सारी दिहाड़ी मिट्टी या उसको पढ़ देंगे या आप ये समझ लें कि वो पंजाबी कह लो कोई दूसरा बाल एक बाल चक पा लेंगे और थालियाँ डिग जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें थाईलैंड की तो इतने का इनका कोई ना होते आए आप दिखाते हैं आपको और बड़ी ज़बरदस्त चीज उतार दिए बहुत बड़ी डिसिप्लिन है। वैसे भी खेलते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में खेलते हैं, बस ये है कि सफाई सुथराई लग गया, बाकी बाल एक दूसरे को खोलते नहीं, कोई किसी को मारता नहीं है। और ये देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, इतने साढ़ा होंगे कोई अहमद या अब्दुल हादी होता तो उन्होंने जुड़े पढ़ लेने थी तो आने रो पाना थी। तो ये देखते अगर इनकी बात करें इनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, इतने साढ़े पेरेंट्स होते या हमारे कोई जानने वाले होते हैं वो साथ आए होते तो उन्होंने बैठे लड़ी जाना दोबारा निकली जाना बारह निकली जब बाल कटी जाने फिर रोड हो गए इतने कोई गोले वाला खिलौता होना सी या फिजिक्स वाला देख रहे हैं खेलने टाइम जो बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल दिया हुआ है सानू इतने दिन आप छोटे छोटे बच्चों को मोबाइलों पर लगा देते हैं ऊपर भी देख रहे हैं एक डिसिप्लिन के तरीके से मैच खेल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की या थाईलैंड की इतना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस डिसिप्लिन का फर्क है और सफाई सुथराई। बाकी बच्चों का तो आपको पता है पाकिस्तानी कौन वो कौम जो कमेंट में भी बंदे की बम्बारमेंट लगा देती है, वो कौम जो वेली कौम है किसी का बाल भी माशाल्लाह छोटे छोटे ने समझदार ने डिसेंट अपने बाल से कोई मार दो दो तीन बार स्पेट मार दो बाल काट दें तो ये बाल बड़े ज़बरदस्त देख रहे हैं। प्रॉपर इन्होंने पेंट शर्ट पहन लिया है और रात को खेल रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी जिन्हें तुप्पे जरा मिट्टी खेल देने और थालियाँ अगर गगड़ा जाती रहें बंटे चले जाएँ तो हाथ मार देते हैं। ये देख रहे हैं बड़ा एक प्रॉपर सेटअप के साथ अंदर बाप जो है उसके पेरेंट्स वो बैठे हुए हैं अंदर का माहौल दिखाएँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कोई जनाब इधर नहीं है तू इधर ना चढ़ी इधर चढ़ी इधर देखने का खेल रहे हैं कूद रहे हैं छोटे छोटे तो ये एयरलैंड में जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जो छोटी सी चीज़ थी अगर कंपेयर की जाए पाकिस्तान तो इसमें यही मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया। बाकी ये खेल जो हैं वो समंदर के करीब रहे हैं, इधर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि जाना आप समझते हैं अलाउ नहीं है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे हमने बैठ के बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड की और यहाँ पे हमने जो है थाईलैंड को भी देखा तबाही फिर गई है बिल्कुल भी जो है अभी कुछ कहने का और कुछ खाने का मूड नहीं। होटल जाएंगे वहाँ पे जाके जो भी पाकिस्तानी बच्चों को देखने एक बार अच्छा एक बार और दिखा दें बच्चे जिस तरीके से उनके पेरेंट्स आप ये देखें उनके पेरेंट्स यहाँ से आप दिखाएँ फिर आप देखेगा उनके कैमरा वो देखते पेरेंट्स कैसे बैठे हैं और कोई किसी की जो है ना वो बदखोई नहीं कर रहा, कोई किसी के जो है वो तरले नहीं कर रहा, कोई किसी की जो है वो चुगली नहीं कर रहा, यहाँ सारे बैठे अपने कर रहे हैं। और इधर भी पाकिस्तान जैसे गंदगी करते हैं इसलिए वो शोर है। इजाज़त दीजिए यही जो है थाईलैंड का सिस्टम है जो बच्चे खेलते हैं। इजाज़त दीजिए अल्लाह।